एरो मोबाइल। एरो मोबाइल कई कारणों से एक आकर्षक वाहन है। सबसे पहले यह रियल उड़ने वाली कार है। हाँ, वास्तव में यह रियल लाइफ में उड़ान भर सकता है। इंजीनियरों के एक अद्भुत कारनामे में एरो मोबाइल के डिजाइनरों ने इस कार्य क्षमता को एक स्लीक के साथ कंबाइन करने में कामयाबी हासिल की है। यह एक अमेजिंग ब्यूटी जो इस वाहन को रियल आर्ट से रूबरू कराती है। आप एरो मोबाइल का उपयोग इसकी एरियल कैपेबिलिटी या सड़क पर यात्रा के लिए ला सकते हैं, लेकिन निश्चित कर लें कि आप जो भी मूड चुनेंगे वह आपको स्टाइल के साथ आपके मंजिल तक ले जाएगी। यह केवल 3 मिनट के अंदर फ्लाइट में बदलने की सूचना दी गई है। यह 223 मील प्रति आवर की स्पीड से यात्रा करने की क्षमता प्राप्त करने और 466 मील आवर की दूरी तय करने में सक्षम है। कार मोड में 100 माइल प्रति आवर की अट्रैक्टिव टॉप स्पीड के साथ चलने में सक्षम है। एरो मोबाइल अधिकांश कॉन्वेंशनल फ्लाइट की तुलना में तेज और कम स्ट्रेसनेस है। यह ट्रेडिशनल एयरलाइन के माध्यम से यात्रा या हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर देने की तुलना में दूसरा समय लगता है। बेशक आपको यूरोप में इस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए एक पायलट लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जहां यह चलने और उड़ने के साथ साथ रनवे तक पहुंचने के लिए अप्रूव्ड है। यदि आप यूएसए से हैं, तब एरो मोबाइल अभी उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन यह कन्फर्म करने के लिए काम चल रहा है कि इसे जल्द से जल्द जारी कैसे किया जाए। बल्ब लिबर्टी। इंडिविजुअल एयर और सड़क वाहन एक विमान निर्माता है जो नीदरलैंड में स्थित है। कंपनी बिजनेस में अधिक समय से है और वर्षों के रिसर्च और विकास के बाद शुरू से ही एक रियल उड़ने वाली कार बनाने के सपने के साथ 20 वर्षों से इसे अपनी पहली उड़ान भरने वाली कार लॉन्च की, जिसे पॉल वी लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। यह व्हीकल 200 हॉर्स पावर इंजन के साथ आता है जो पीछे की ओर प्रोपेलर से जुड़ा होता है। ऑटो रोटेटिंग रिट्रैक्टेबल मैन रोटर इसे जमीन से ऊपर ले जाने के लिए और जायरोक्राफ्ट फ्लाइट सिस्टम एक ट्रेडिशनल कार के विपरीत है। हालांकि इसमें केवल 3 पहिए होते हैं, एक आगे और 2 पीछे। निर्माता का कहना है कि पॉल वी लिबर्टी 112 माइल प्रति आवर की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। फ्लाइट मोड में ईंधन की खपत 6.8 गैलन प्रति आवर है, जबकि जमीन पर ईंधन इफिशियंसी 311 मील प्रति उड़ान रेंज के साथ है। 817 मील की क्रूजिंग रेंज के साथ 31 मील प्रति गैलन है। पॉल वी के कई वर्जन खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें 399,000 के लिए लिबर्टी स्पोर्ट और $599,000 के लिए लिबर्टी पायनियर शामिल हैं। एल्कलीन वर्जन एयरक्राफ्ट। अक्टूबर 2020 के अंत में क्लेन विजन एयर कार क्लेन विजन ने जारी किया एरो मोबाइल के सामने अपनी पहली उड़ान भरते हुए अपनी एयर कार का वीडियो, जिस व्हीकल में 4 पहिए हैं, जिसमें केवल 2 सीटें ही हैं और यह रियल में विमान की तरह उड़ती है। इसमें कोई तत्काल वर्टिकल लिफ्ट नहीं है। एयर कार को उड़ान भरने से पहले टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे की आवश्यकता होती है। फ्लाइट मोड एयर कार के बैक में कार मोड में फोल्ड करने के लिए चौड़े पंखों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ फीट पीछे की ओर फैली हुई है और बैक मैन में वापस खींचती है। वाहन को अधिक कॉम्पैक्ट और ड्राइव करने में आसान बनाया गया है। यह BMW के द्वारा निर्मित 1.6 लीटर वाला 6 सिलेंडर इंजन द्वारा स्वचालित है और इसका वजन 2400 पाउंड है। इस लेवल का क्लीन विजन एयर कार अभी भी एक फंक्शनल प्रोटोटाइप है, लेकिन कम से कम यह एक कंपनी का अस्तित्व है। कंपनी दावा करती है कि इसकी फ्लाइट रेंज 600 माइल से अधिक होगी और हवा में 124 माइल प्रति आवर की टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम होगा। एयरबस पॉपअप। वास्तव में विश्वसनीय और भविष्य की फ्लाइटिंग कार की खोज चल रही है। दशकों के लिए लेटेस्ट आइडियाज में से एक एयरबस ऑडी और इटाइन डिजाइन के ज्वाइंट वेंचर द्वारा बनाया गया अगला पॉपअप है। व्हीकल स्वायत्त होगा और योजना बहुत इजी है। पैसेंजर अपनी यात्रा एक पॉपअप के माध्यम से बुक करेंगे। एक ऐप पॉपअप अब स्वचालित रूप से ऐप पर कॉन्फिगर की गई यात्री विशिष्ट प्राथमिकताओं के अनुसार सबसे बेस्ट वे सुझाता है। साथ ही फर्स्ट ऑप्शन सड़क मार्ग से परिवहन होगा, लेकिन जब यह भीड़ भाड़ वाला पॉपअप हो जाता है तो यात्री कैप्सूल को अलग कर देगा और इसके ग्रैंड मैनुअल से
ताकि एक मॉड्यूल से इसे मंजिल तक ले जाया जा सके। कॉन्सेप्ट एक मॉड्यूलर ग्राउंड और एयर पैसेंजर व्हीकल विकसित करना चाहता है, जिसमें तीन प्रमुख यात्री कैप्सूल है जो रोटर प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा स्वचालित कार्बन फाइबर इलेक्ट्रिक पावर ग्राउंड मॉड्यूलर एयर मॉड्यूल से बने हैं। टेक्निकली रूप से पॉपअप पहले से ही नए परिवहन के रूप में बहुत करीब है। टेरा फुजिया ट्रांजिशन जिसे अप्रैल 2012 में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में प्रदर्शित किया गया था। टेरा फुजिया ट्रांजिशन ने दुनिया के लिए ठोस सबूत लाए हैं कि कॉन्सेप्ट उड़ने वाली कार अब बिल्कुल काल्पनिक नहीं थी। यह सिर्फ प्रोटोटाइप के बजाय पूरी तरह से काम करने वाला मॉडल है, जिसे आप रियल में $4 लाख की अनुमानित कीमत के साथ खरीद सकते हैं। इसमें चार पहिए दिए हुए हैं, दो दरवाजे, उसके पीछे मुड़े हुए विंग्स और एक पीछे माउंटेड प्रोपेलर एक बाइंडेड इंजन द्वारा संचालित है। इसमें संक्रमण 9,000 फीट की ऊंचाई पर प्रति घंटे 100 माइल की उड़ान भर सकता है। ड्राइविंग और फ्लाइंग के लिए अलग अलग सिस्टम दिए हुए हैं। मैवरिक फ्लाइंग कार में ड्राइविंग टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन सेंटर द्वारा विकसित एक मिनट के भीतर मैवरिक फ्लाइंग कार ड्राइविंग से फ्लाइंग मोड में बदल सकती है। नॉर्मल पॉपुलेशन लेकिन रूरल एरिया में उन लोगों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक व्हीकल जहां ट्रांसपोर्टेशन एक रियल चैलेंज है। मैवरिक एक FAA सर्टिफाइड फ्लाइंग कार है, इसलिए यह रियल में स्टिल लीगल है। व्हीकल को ईंधन इंजेक्टर 2.5 लीटर सुबारू इंजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो 190 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी हवा में स्पीड 40 माइल्स पर आवर है। हालांकि मैवरिक को टेक ऑफ करने से पहले 300 फीट रनवे की आवश्यकता होती है। अन्य फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग कार को अपोजिट अभी भी कॉन्सेप्ट में मैवरिक के पास पंख नहीं है, लेकिन इसके सूट के लिए एक केंद्रीय टेलीस्कोपिक मस्टूट है जो रोम एयर विंग लेगा। उड़ान जब तक पिछले पहिए के जाने वाली शक्ति को लेके पीछे लगे 5 ब्लेड प्रोफाइलर में बदल दिया जाता है। टेरा फुजिया टीएफएक्स के फ्लिप के साथ टेरा फुजिया से एक और कह सकते हैं कि इस बार कंपनी ने हम सभी के लिए उड़ने वाली कार के रूप में वर्णित करती है, जो शायद सटीक और हर किसी के पास पायलट लाइसेंस है उसके पास उड़ने वाली कार है, जिसे टीएफएक्स टेरा फुजिया के नाम से जाना जाता है। इसे जमीन पर पहियों को आगे बढ़ने के लिए एक हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ फिट किया जाता है और व्हीकल को उड़ान के लिए दो इलेक्ट्रिक रोटर्स हैं, जो हवा में 200 माइल की मैक्सिमम स्पीड होने से पहले हाई स्पीड रन की आवश्यकता के बजाय लंबवत रूप से अपना टेक ऑफ करती है। टीएफएक्स 500 माइल की सीमा तक पहुंच सकता है, जिसका मतलब है कि 4 सीटों वाली उड़ने वाली कार आपको लगभग 3 घंटे में जिनेवा से लंदन तक ले जा सकती है। इस पॉइंट पर टीएफएक्स अभी बिक्री के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने हमारे डियो गैजेट चैनल का एक भी वीडियो छोड़ दिया तो समझिए आपने बदलते क्लाइमेक्स के साथ नाता तोड़ लिया। यहाँ मैं आपको नेशनल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की जानकारी हमारे सिंपल लैंग्वेज हिंदी में अवेलेबल कराता हूँ। अगर आप अपने नॉलेज को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, जिससे उन्हें भी समस्त जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।